एक बार एक साधु महाराज अपने एक शिष्य के घर ठहरे हुए थे। काफी अमीर आदमी था वह शिष्य, बहुत से व्यापार थे उसके, घर में बहुत से नौकर चाकर थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। साधु महाराज अक्सर साल में एक बार कुछ दिनों के लिए अपने उस शिष्य के घर आकर ठहरते थे, क्योंकि वह शिष्य जिस नगर में रहता था उस नगर में उन साधु महाराज के इष्ट देव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ वे साधु महाराज हर साल दर्शन करने और घूमने के उद्देश्य से आते थे। इसलिए वो जब भी मंदिर दर्शन करने आते उस शहर में रहने वाले अपने शिष्य के घर कुछ दिनों के लिए जरूर रुकते। इससे पहले साधु महाराज जब भी उस शिष्य के घर आते तो वह शिष्य काफ़ी उत्साहित और खुश दिखता था, लेकिन इस बार जब साधु महाराज उसके घर में रुके हुए थे तो उन्होंने अनुभव किया कि शिष्य आजकल काफ़ी परेशान और चिंता में रहता है। साधु महाराज ने शिष्य की पत्नी से पूछा कि क्या बात है, आजकल तुम्हारे पति काफ़ी चिंता में रहते हैं। पत्नी ने कहा, हाँ वो आजकल चिंता में रहते हैं क्योंकि उन्हें व्यापार में 5 लाख का फायदा हो गया है। साधु महाराज ने कहा, फिर इसमें चिंता की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है भाई, 5 लाख का फायदा ही तो हुआ है, नुकसान थोड़े ना हुआ है। यह सुन पत्नी मुस्कुराई और बोली, हाँ लेकिन यदि आप उनसे उनके चिंता का कारण पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मुझे व्यापार में 5 लाख का नुकसान हुआ है। यह सुन साधु महाराज आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, यह क्या बात हुई, तुम तो पहेलियाँ बुझा रही हो, अभी कह रही थी कि 5 लाख का फायदा हुआ है, फिर कह रही हो कि 5 लाख का घाटा हुआ है। शिष्य की पत्नी ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज मैं एकदम ठीक ही कह रही हूँ, मेरे पति को एक साथ फायदा और नुकसान दोनों हुए हैं। साधु ने कहा, यह कैसे हो सकता है। पत्नी ने कहा, मेरे पति को 5 लाख का नुकसान हुआ है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि व्यापार से उन्हें 10 लाख का फायदा होगा, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 लाख का ही फायदा हुआ है, इसलिए वे आजकल ये सोचकर उदास रहते हैं कि उन्हें 5 लाख का नुकसान हो गया। साधु महाराज को ये बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन जब शाम को वह शिष्य साधु महाराज के पास बैठा हुआ था तो महाराज ने उससे उसकी चिंता का कारण पूछा, तो उसने कहा कि क्या बताऊं गुरुजी, मुझे 5 लाख का नुकसान हो गया, व्यापार में 10 लाख के फायदे की उम्मीद थी लेकिन फायदा सिर्फ 5 लाख का ही हुआ। यह सुन साधु महाराज मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि इस इंसान का ध्यान अपने 5 लाख के फायदे की तरफ नहीं है, बल्कि उस 5 लाख के नुकसान की तरफ है, जो 5 लाख सिर्फ इसकी उम्मीदों और आकांक्षाओं में थी, जो वास्तव में कभी थे ही नहीं। दोस्तों सोचिए कि अगर उस इंसान को सिर्फ 5 लाख के फायदे की ही उम्मीद होती तो क्या वह दुखी होता, और अगर उसे सिर्फ 2 लाख के फायदे की ही उम्मीद होती और उसे 5 लाख का फायदा हो जाता तो वह तो खुशी के मारे झूम उठता। एक बात यहाँ साफ साफ उजगर होती है कि इंसान के दुख का कारण उसकी उम्मीदें उसकी आकांक्षाएँ हैं। इंसान बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें और आकांक्षाएँ मन में पाल लेता है, और जब वे उम्मीदें और आकांक्षाएँ पूरी नहीं होती तो इंसान दुखी हो जाता है। ध्यान रहे कि जितनी बड़ी अपेक्षा होगी उतना ही ज़्यादा असंतोष पैदा होगा, अपेक्षा कम तो असंतोष भी कम, अपेक्षाएं शून्य तो असंतोष भी शून्य। आइए इसी संदर्भ में एक दूसरी कहानी सुनते हैं। सुकरात एक बहुत ही बड़े दार्शनिक और ज्ञानी व्यक्ति थे। अक्सर दूर दूर से लोग अपनी बहुत सी समस्याएं लेकर सुकरात के पास आया करते थे। ऐसे ही एक दिन सुकरात सुबह सुबह अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी कुछ लोग उनके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछने आए। सुकरात ने उन सभी को बैठने के लिए कहा और अपनी पत्नी को उन सबके लिए चाय बना लाने के लिए आवाज़ दी। इसके बाद सुकरात उन सबके साथ बातचीत करने में मग्न हो गए। कुछ देर बाद पत्नी चाय बनाकर ले आई। पत्नी ने पीछे से सुकरात को चाय ले जाने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन सुकरात नहीं सुन। पत्नी ने 2-3 बार और सुकरात को आवाज़ लगाई, लेकिन सुकरात बातचीत में मग्न थे। इस बात पर पत्नी को सुकरात के ऊपर इतना गुस्सा आया कि उसने चाय से भरी केतली को सुकरात के सर के ऊपर खाली कर दिया। सुकरात का आधा चेहरा जल गया, लेकिन सुकरात अचानक से खड़े होकर आसमान की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ने लगे। यह सब देखकर वहां आसपास में बैठे लोग डर गए और सुकरात से पूछा, क्या हुआ। सुकरात ने कहा, कुछ नहीं, आधा चेहरा जलने से बच गया, इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, पूरा भी जल सकता था लेकिन उसने बचा लिया। यहाँ सुकरात का ध्यान अपने आधे बचे हुए चेहरे पर था। इसी को बोलते हैं सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, और जो भी आपके पास है या जो कुछ भी बचा हुआ है उसके लिए शुक्रिया अदा करना, क्योंकि हो सकता था कि ये भी चला जाता। यहाँ सुकरात उस पहले कहानी वाले व्यक्ति से बिल्कुल अलग हैं, जहाँ एक और वह व्यक्ति उस बात को लेकर दुखी था जो उसके पास नहीं था, जो केवल उसके विचारों में था, उसकी उम्मीदों में था, वहीं दूसरी ओर सुकरात उस आधे चेहरे के लिए खुश थे और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे जो जलने से बच गया था।
जो इंसान सपनों में नहीं बल्कि यथार्थ में जीता है वह कभी दुखी नहीं रह सकता। साथ ही ऐसा इंसान जो कि हर खराब परिस्थिति में भी अच्छाई ढूंढ ले और हर छोटी चीज के लिए भगवान का धन्यवाद करे, उससे ज़्यादा संतुष्ट इंसान इस दुनिया में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हर महान इंसान ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव थिंकिंग दो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर कोई अपने अंदर धारण कर ले तो यह उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करने में बड़ी ताकत है, यह इंसान को अंदर से शांति देती है। आप हर रोज़ सुबह उठकर बस एक काम करें, रोज़ सुबह उठें और उठते ही भगवान को हर चीज़ के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास है, जैसे कि आपकी नौकरी, आपका घर, अच्छी कार, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छे दोस्त, सही वातावरण, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास ये सब नहीं है, ये उनके लिए एक सपने जैसी बात है। तो भगवान का शुक्रिया अदा करें कि आप उन करोड़ों लोगों में नहीं आते। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद के लिए पॉजिटिव ढूंढ के निकाल लेना और जो कुछ भी आपके पास है उसमें खुश रहना, ये दो आदतें जिस इंसान के अंदर हैं उसे कोई दुखी कर ही नहीं सकता। जुनैद नाम का एक फकीर अक्सर एक रास्ते से गुजरा करता था। एक दिन उसी रास्ते में पड़े एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया, पूरा पैर लहूलुहान हो गया। लेकिन जुनैद वहीं बैठकर हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। कुछ मित्र भी जुनैद के साथ थे, ये देख वे चौंके और कहा, जुनैद तुम पागल हो गए हो क्या? हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो चोट लगने के बाद भगवान का धन्यवाद करे। जुनैद ने कहा, पत्थर की ठोकर से गिरकर मेरा सर भी फूट सकता था, जान भी जा सकती थी। अच्छा हुआ कि सिर्फ पैर में ही चोट लगी और बच गए, क्योंकि इससे भी बुरा हो सकता था। अब जुनैद जैसे इंसानों को अगर फांसी भी लगा दी जाए तब भी वे भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि फांसी से भी ज़्यादा दर्दनाक मौतें इस दुनिया में हैं। धन्यवाद का भाव केवल उसी व्यक्ति में हो सकता है जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, जो सिर्फ अपना कर्म करता है बिना किसी अपेक्षा के। फिर ऐसे व्यक्ति को जो कुछ भी मिलता है वह उसके लिए धन्यवाद अदा करता है और खुश रहता है। धन्यवाद अदा करने में एक अलग ही शक्ति है। आप अगले एक महीने तक रोज़ आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। एक महीने के बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर एक गजब की शांति और संतुष्टि रहने लगी है।